सकते हैं जो कि सामने है, बड़े बड़े बारकोड लगाए गए हुए हैं यहाँ पे, और बारकोड से जो कि आप पैसे पे पेमेंट करेंगे फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, जो पढ़ने योग्य हैं, जो जो देख नहीं सकते उनके लिए ये लगाया गया है इधर। वहाँ पे देखिए कुछ चाइनीज में लिखा गया है, वो भी पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ से जैसे एंटर करेंगे आप इसमें से, ये देखिए एंट्री द्वार है, यहीं से एंटर करेंगे यहाँ तक देखिए, यहाँ जो कि जाने के लिए है। इधर से यहाँ देखिए कुछ लिखे गए हैं, चौखंडी स्तूप यहाँ देखिए वहाँ पर लिखा गया है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेते हैं जो कि बाद में इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये देखिए हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है, और उधर भी जाने का जो रास्ता है उधर से भी जा सकते हैं। मतलब ये बनाया गया है सिर्फ आप इधर से जाएंगे चाहे इस साइड से जाएंगे, पूरा इस चौखंडी स्तूप के आसपास घूम सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये बनारस में है। आइए यहाँ पे देखिए किस प्रकार की है, और लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था है जो कि बोल स्वच्छ भारत मिशन के तहत काफ़ी स्वच्छ बनाया गया है। हर जगह पार्क ही नहीं, हर जगह रोड भी स्वच्छ बना है बनारस का। बनारस में हम लोग यहाँ देखो पेयजल प्रसाद हम पहले आते ही हमको मिला, कैसा नज़ारा है यहाँ का देख रहे हैं, चिमनी जैसा है एकदम, इसको सीता रसम ही बोलते हैं भाई। साफ सफाई का भरपूर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। टैक्सी दिखा दें इधर से, जो घूम घूम के जाने वाला रास्ता इधर से देख रहे हैं, घूम घूम के जाने वाला, बहुत बेहद अच्छा लगा। और दिखाते हैं आगे आगे, इस पर आप आके यहाँ पे फ़ोटोशूट भी वगैरह भी कर सकते हैं। वहाँ पे गेट जो कि सामने लगाया गया है, वहाँ पे गेट है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन पे करके तभी आप यहाँ पे इस जो भी चिमनी को देख सकते हैं। यही भाई वहाँ सामने है, ये बता रहे हैं कि सीता रसोई है। तो ये बनारस में है दोस्तों, हम आए हुए थे बनारस में, तो आप लोगों को दिखाने के लिए इधर से चले आए। इधर देखें ये सब कौन सा पेड़ है भाई, बहुत ही अद्भुत लग रहा है यार। और इधर देखिए कुछ कितना बढ़िया जो कि सामने है, पेड़ों को काट काट के स्ट्रक्चर दिया गया है, किस प्रकार दिया गया है वो आप उधर से देख सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। और ऊपर चढ़िए, और ऊपर चढ़िए, सब सीता रसोई यही है क्या है ये, सीता रसोई। और ऊपर चढ़ जाओ, देखना दोस्तों जो कि ये सामने है, ये आवरा का पेड़ है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये जो कि है, यहाँ आप देख रहे हैं कितना आवरा का पेड़ है इधर से। और इधर देखिए ड्रिंकिंग वाटर जो कि यहाँ पे पीने योग्य पानी, और यहाँ पर अगर आप लोगों को मान लीजिए कि इसमें आ चुके हैं पानी पीने की ज़रूरत हो तो यहाँ पी सकते हैं, लेकिन इस वक्त यह नहीं चल रहा है, फिलहाल चलता था। तो यहाँ कुछ देखने को मिला बढ़िया, ये हमको लगता है टॉयलेट है, ये सब देख रहे हैं टॉयलेट है, इस प्रकार का टॉयलेट है भाई। वो तो ऐसे ही घूमते घूमते हम यहाँ पे टॉयलेट में भी घुस गए, देखते हैं ना भाई। इधर देखिए लेटरिन, यहाँ अंदर अंदर यहाँ पे अभी हम भी दिख रहे हैं। हाय, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो भाई ऐसे ही हम बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और एक चीज़ बता दें आप लोग को, एकदम इतना स्वच्छ है कि हम क्या बताएं, इसी के कारण हम यहाँ पे दिखाने के लिए इसमें आए हुए हैं। थोड़ा सा इसमें मिनट थोड़ा सा धब्बा पड़ गया है, वो सही हो जाएगा। और रही बात देखें टॉयलेट की, इधर से देख सकते हैं रिजियंस का है, इसीलिए हम इसमें घुसे हैं अंदर। और बाबू इन तो भाई साहब बोल ही नहीं रहे, इनसे पहले ही बोल। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जैसे डस्टबिन आप लोगों को बाहर बाहर रखा गया है, इस ऐसे ऐसे प्लेस पे आइए तो गंदा मत, गंदगी एकदम एकदम मत करिएगा। इनसे थोड़ा सा राय विचार लेते हैं, कैसा क्या आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था पार्क, वहाँ का भी डियर पार्क और एम बी चौखंडी स्तूप, हाँ काफ़ी अच्छा था। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, चौखंडी स्तूप, स्तूप। आइए देखिए ये कचड़े को इसी में अभी डाल के आए हैं, सबसे बड़ा कचरा यही है। तो ये नहीं, इसमें इसमें जाने का अनुभव बताओ हमको कुछ। काफ़ी स्वच्छ टॉयलेट है ये, काफ़ी स्वच्छ टॉयलेट है ये, जो कि अभी ये भी बना।
कैमरे को नहीं छुआ जाए, माइक चुदे मत लगाता है। देख टॉयलेट में जाने के बाद भी अच्छा लगा, जो कि वहाँ का अंदर का व्यू आप लोगों को दिखा दिया था। काफी गंदगी हुआ करती थी यहाँ पे। हाँ हाँ बोल स्वच्छ भारत मिशन के तहत काफी स्वच्छ बनाया गया है। हर जगह पार्क ही नहीं, हर जगह रोड भी स्वच्छ बना है बनारस का। बनारस में हम लोग अच्छा है ना। एक बार दर्शकों को बता दें यहाँ का चार्ज कितना है टिकट का। दोस्तों जैसा कि आप लोग आएंगे वहाँ पे बारकोड लगा है बड़ा बड़ा सा, उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप लोगों को एक फॉर्मेलिटी फॉर्म भरना पड़ेगा, लिंक देगा, आपको लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आएगा, एक लोग जाना चाहते हैं, दो लोग जाना चाहते हैं, तीन लोग, जो लोग जाना चाहते हैं। आप लोग एक कैश में आपको यहाँ एंट्री नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। कृपया सभी बताएं थोड़ा पहला स्वच्छता के बारे में बताएं दर्शकों को। ये चीज़ है दोस्तों, ये इसे आप जानती होंगे कि ये क्या है, ये थम्सअप जो कि आपको लाइक करना ही होगा। ये इतना स्वच्छ है ना, आप लोग बता दें। देखिए वहाँ पे साइड में भी स्वच्छ कर रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, इधर आइए।